नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरी तरफ से यहाँ पर जो है आज दिन में पहली वीडियो जी थी जो मैं अपलोड करता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो वीडियो आज नहीं आ पाई। उसका एक रीजन है एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो थी pointsprizes.com वेबसाइट पर, जहाँ पर आप पॉइंट्स अर्न करके उसके बदले में गिफ्ट कार्ड क्लेम कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस वीडियो को जो है रिव्यू में रखा गया था और उसके बाद मेरे चैनल पर आ गई है स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, जिसमें मतलब मिल चुकी है और लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई, जिस वजह से कल संडे था और मैं उस पर लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। खैर वैसे आज मैंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है, उसमें रीडर जो है क्लेम किया वापस कि आप दोबारा से वीडियो को चेक कीजिए प्लीज दोबारा से। तो अब जो है कहीं जाके वीडियो से स्ट्राइक हट चुकी है फाइनली एंड आई एम एबल टू लाइव स्ट्रीम अगेन। और डेफिनेटली यार इस वजह से आज पूरे दिन मैं इस वजह से बिजी रहा और मतलब वीडियो नहीं आ पाई। थोड़ी ज्यादा वीडियोज आती है वो आती है। देखो यार अब बात को जैसे कि सब लोग गैलेक्सी S9 S9 प्लस की तरफ देख रहे हैं कि ये फोन कब तक लॉन्च होगा, लेकिन आप सोचिए कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, आखिर कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सैमसंग की बात समझ में आ गई और यहाँ पर जो है सैमसंग तैयारी कर रहा है एक बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करने की, जिसका नाम है गैलेक्सी J4 2018 वाला। और यहाँ पर जो है ये स्पॉट किया गया है Geekbench जो कि एक बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है वहाँ पर, और यहाँ पर जो है उसके स्कोर्स रहे हैं, सिंगल कोर स्कोर था वो था 623 और मल्टी कोर प्रोसेसिंग जो स्कोर्स थे वो थे इसके 1850। तो मतलब बजट स्मार्टफोन ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस ये दे देगा। बाकी जो इसका कोड नेम होने वाला है मतलब जो मॉडल नंबर है वो है SM J400F, यानी कि J4 तो है ये सैमसंग का। यहाँ पर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं ऑडियो है इसमें 8.0.0 और मदरबोर्ड वगैरह यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। एक प्रोसेसर 4 कोर क्वाड कोर प्रोसेसर होने वाला है यहाँ पर 1.43 GHz का होगा और आर्म के मतलब आर्किटेक्चर पे, बाकी तो यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं। वो आती है HMD Global जिन्हें की अक्वायर कर लिया नोकिया को, जैसे आप लोगों को पता था यहाँ पर जो नोकिया का नोकिया 3 था वो लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर मिड रेंज में यहाँ पर इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर शायद नोकिया तैयारी कर रहा है नोकिया 4 की। तो यहाँ पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो फोन है उसकी तैयारी नोकिया कर रहा है और ये शायद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आपको शायद देखने को मिले। खैर एक्सपेक्टेशन तो नोकिया 1, नोकिया 7, नोकिया 7 प्लस जो नोकिया 9 है वो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी देखते हैं नोकिया 4 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है वो है Qualcomm का Snapdragon 450। तो मतलब बहुत ज्यादा हद तक बजट होगा, शायद इसकी प्राइसिंग भी आपको 10,000 से नीचे देखने को मिलेगी। वो आती है BSNL की तरफ, तो BSNL जो है यहाँ पर अपने दो नए प्लान को लॉन्च कर दिया, जिसमें जो पहला प्लान है वो है ₹99 का, जिसमें कि आपको बेनिफिट मिलेगा 26 डेज का। और बेनिफिट यार ये है कि आप जो है 26 दिनों तक अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं और बस, यहाँ पर कोई डेटा बेनिफिट नहीं है, सिर्फ रोमिंग है यहाँ पर, मतलब रोमिंग में आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ वॉइस कॉलिंग का यहाँ पर फीचर है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे वाले फ़ोन के, तो दूसरा वाला जो उसका प्लान है वो आपको मिलता है ₹390 का और उसकी वैलिडिटी है 90 दिनों तक। 90 दिनों तक जितनी चाहें जी भरकर ठूस ठूस कर बातें कीजिए पूरे दिन, ये इसका प्लान है। बाकी यहाँ पर डेटा बेनिफिट्स इसमें भी नहीं मिलते हैं। जाती है, वो आती है देखो एंड्रॉइड गो फोन को लेकर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि माइक्रोमैक्स भारत गो फोन था वो लॉन्च होने वाला था 26 जनवरी को, लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो उसकी जो वजह है वो ये है कि अभी तक जो है गूगल की तरफ से उस फोन को सर्टिफिकेशन नहीं मिला कि आपने हमारे एंड्रॉइड को ठीक तरीके से यूज किया है नहीं, इस वजह से ये फोन अभी तक फाइनली हमें लॉन्च नहीं मिला। बाकी यहाँ पर कार्बन है, इंटेक्स है, लावा है, ये सभी मतलब एंड्रॉइड गो फोन को लॉन्च करने वाले, लेकिन सबसे पहले माइक्रोमैक्स का लॉन्च होना था जो कि फिलहाल नहीं हुआ, जिसका रीजन सिर्फ यही है कि गूगल की तरफ से सर्टिफिकेशन है वो अभी तक नहीं मिला है। तो वो आती है आइडिया की तरफ से, तो आइडिया ने जो है अपना एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो कि है ₹109 का, जो कि मुझे काफी हद तक मतलब ठीक ठाक लगता है जियो जैसा, यहाँ पर आप इसे यूज करते हैं। लेकिन जो वैलिडिटी है क्योंकि कॉस्ट के अकॉर्डिंग वैलिडिटी वो भी कम है, यहाँ पर जो है वैलिडिटी आपको मिलती है 14 दिन की और जो वैलिडिटी 14 दिन की है उनके अंदर आपको बेनिफिट मिलेंगे 1 GB पर डे का डेटा, 250 मिनट्स का यहाँ पर टॉक टाइम डेली, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा मतलब 3G 4G दोनों पे चलेगा और जो है 100 SMS पर डे भी मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का जो है कार्निवल सेल यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पहले यहाँ पर जो है सैमसंग ने भी अपना कार्निवल सेल स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर अब इन्फिनिक्स का भी आपको कार्निवल सेल देखने को मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है स्मार्टफोन्स पे ₹3,000 तक का। बाकी चेक करना चाहते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कार्निवल में तो जाके चेक कर सकते हैं इनफोकस की वेबसाइट पर।
तो फ्रेंड यहाँ जो अगली डेज आती है वो आती है एयरटेल की तरफ से। यहाँ पर जो एयरटेल तैयारी कर रहा है यहाँ पर 1000 रुपए से कम यानी 999 रुपए के एक प्लान की, जो की वैलिडिटी आपको जिसकी देखने को मिलेगी पूरे 1 साल यानी 365 दिनों की। यहाँ पर मतलब ये प्लान शायद प्रीपेड के लिए मिलेगा, यहाँ तो इतना तो पक्का है कि प्रीपेड के लिए मिलेगा ये फोन। ये जो प्लान है वो डेफिनेटली उनके लिए जो हैवी यूसेज करते हैं और बार बार रिचार्ज कराना पसंद नहीं करते। बाकी देखने वाली बात ये कब तक आता है प्लान और क्या इसमें बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली डेज आती है वो आती है गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL को लेकर। तो यहाँ पर जो है एक और बैटरी से रिलेटेड इशू मिला है, तो बैटरी से नहीं यहाँ पर बैटरी की चार्जिंग से रिलेटेड इशू है। तो यहाँ पर जो है अब गूगल के कम्युनिटी फोरम पे जो है लोग यहाँ पर पिक्सल 2 XL के यूजर्स जो है यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें जो बैटरी चार्जिंग में दिक्कत आ रही है। और दिक्कत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक यूजर उसने अपनी दिक्कत को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि उसने जो है अपने फोन को 35% पर चार्जिंग लगाया और उसके बाद जो है कुछ घंटों बाद वो वापस आया तो उसे उसका फोन मिला 38% बैटरी पर। तो यहाँ पर कुछ घंटों में 2% की चार्ज बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का पूरा सपोर्ट है इसमें और ये बहुत बढ़िया चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि एंड्रॉइड पुलिस ने जो है इस बात को कंफर्म किया और यहाँ पर जब उन्होंने ऐसा पाया कि जब वो फोन है उसकी बैटरी 20 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पर हो जाती है तो यहाँ पर उसकी फास्ट चार्जिंग काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है, फास्ट चार्जिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर इस बैटरी के टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग ठीक काम करती है। बाकी यहाँ पर गूगल ने है इस बात पर भी देख रही है क्या कर सकते हैं, बाकी यहाँ कोई पैच वगैरह कुछ इसका कोई अंदाजा नहीं है कब तक आएगा। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली जाती है वो आती है इलॉन मस्क की टेस्ला रोस्टर कार को लेकर। तो यहाँ पर इलॉन मस्क है वो है एक कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन जिनकी कार को जो है स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने टेस्ट फ्लाइट के लिए भेजा था स्पेस में। तो अब स्पेस में वो ऐसे ऐसे तैर रही है। तो यहाँ पर जो है स्पेस एक्स ने ऐसा अंदेजा लगाया कि यहाँ पर ये कार है या तो अर्थ से या फिर वीनस प्लैनेट से जाके टकरा सकती है, लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ऐसा केस होने की यहाँ पर कुछ लाख सालों तक आगे बहुत ही कम चांसेस हैं। तो फ्रेंड ये थी आज कुछ कमाल की टेक न्यूज़। आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी वीडियो पसंद आए और आपको लाइक मैंने कुछ इन्फॉर्मेट आपको दिया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जाना लगे सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब हो सकते बेल आइकन जैसे हमारे होगी जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो को मिस नहीं करना, डेफिनेटली मिस भी मत किया करेंगे क्योंकि मैं आपको इस तरीके की टेक न्यूज़ और डेली टेक रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। जाइए यार चैनल चेक कीजिए, कंटेंट पसंद आता तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। और बस यार आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।